गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संजय कुमार फ्रॉम संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग। पिछले क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देख रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 11.3, जिसमें हम लोग टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इसका पहला स्टेप होता है कि जो आपका रिलेशन दिया हुआ, जो इक्वेशन दिया हुआ, उसको दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जितने डी वाई बाई डी एक्स टर्म है उस सभी को लेफ्ट साइड में रखिए, अब बाकी सभी टर्म को राइट साइड में रखिए, और फिर वहां से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ये था इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का रूल। चलिए आज हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, x के पावर m इंटू वाई के पावर n इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल टू द पावर m प्लस n। मतलब ये दोनों पावर को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड के रूप में लिखा हुआ है। ऐसा और क्वेश्चन है, ये आपका जनरल फॉर्म में, इसको देखते हैं। तो आपका जो रिलेशन दिया हुआ, दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है। चलिए पहला को छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ दिया गया, दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। पहले को छोड़ दिया गया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया गया, दूसरे को छोड़ दीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, और यहां x माइनस वाई का होल पावर m प्लस n को डिफरेंशिएट कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x के पावर m, देखिए यहां पावर का केस है, पावर के केस में क्या होता है, पावर बाहर आता है उसके पावर में एक कम, तो पावर n है, n बाहर आएगा उसके पावर में एक कम, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y के पावर n, यहां पे भी पहले पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो पावर क्या है m, पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम कर दीजिए m माइनस में वन, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन इक्वल टू, यहां पे सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर को बाहर कीजिए m प्लस n और उसी के पावर में एक कम कर दीजिए m प्लस एन माइनस वन, पावर को बाहर किए उसके पावर में एक कम, ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर बच क्या गया, x माइनस में y, तो बताइए x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वन, और y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। देखिए n x के पावर m y के पावर n, इसको लिखा जा सकता है y के पावर n इंटू वाई के पावर माइनस वन। देख लीजिए सेम बेस पे पावर ऐड करके देखिए यही आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई के पावर एन एम वाई के पावर एन एक्स के पावर एम, और इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस वन। उसी प्रकार से उधर एम प्लस एन एक्स माइनस वाई के पावर एम प्लस एन एम प्लस एन, और फिर एक्स माइनस वाई का होल टू दी पावर माइनस वन। बेस सेम है, पावर ऐड करके देखिए यही आ जाएगा, और इनटू में वन माइनस डी वाई बाई वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म आ गया। इसके बाद देखिए यहां पे एक्स के पावर एम वाई के पावर एन एक्स के पावर एम वाई के पावर एन कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए एक्स के पावर एम y के पावर n, अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा और ये तो दोनों टर्म कॉमन आ चुका है, तो बच गया क्या y के पावर माइनस वन, लेकिन नीचे आ जाएगा तो y के पावर प्लस वन, और ये dy by dx, dy by dx प्लस, देखिए x के पावर m y के पावर n कॉमन ले चुके हैं तो बच गया यहाँ m, और ये पावर ऊपर माइनस वन है, नीचे आ जाएगा तो प्लस वन इक्वल टू एम प्लस एन, एम प्लस एन, और
यहाँ पे देखिए x माइनस में y का होल पावर m प्लस n, x माइनस में y का होल पावर m प्लस n को हम लोग x के पावर m y के पावर n लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। तो इसके स्थान पे x माइनस y का होल पावर m प्लस n के स्थान पे ये लिख सकते हैं x के पावर m y के पावर n, आइए ऊपर पावर माइनस है नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर, और आपका कितना बच जाएगा वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स, बगल में लिख दीजिए फ्रॉम वन, क्योंकि वन रिलेशन जो है इसके स्थान पे हम लोग इतना यूज किए। अब ध्यान दीजिए एक्स के पावर एम वाई के पावर एन, एक्स के पावर एम वाई के पावर एन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, बच जाएगा एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम बाई एक्स इक्वल टू, देखिए ये दोनों का गुणा कीजिए, अगर गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे है क्या m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, वन से गुणा कीजिएगा तो m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, और इसी टर्म का इसके साथ गुणा कीजिएगा तो माइनस m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखें और रेस्ट टर्म को एक तरफ, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए और ए टर्म को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन मिलेगा, तो डीवाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या है एन बाई वाई, और ये माइनस का इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, एम प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले चुके हैं, इधर क्या है एम प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, और ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का एम बाई एक्स, एम बाई एक्स। अब देखिए आगे, अब एलसीएम लीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन से गुना कीजिए एन एक्स माइनस एन वाई, और वाई से गुना कीजिए तो एम वाई प्लस एन वाई इक्वल टू, अगर इधर एलसीएम लीजिएगा तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, इसका गुणा इसके साथ कीजिएगा कितना हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, और फिर माइनस एम से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा माइनस एम एक्स और प्लस एम वाई, इतना आ गया। अब देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कैंसिल हो गया, और देखिए आपका माइनस एन वाई प्लस एन वाई कैंसल, यहां पे आपका बच रहा है माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स, ये भी कैंसल, तो बच गया क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बच गया एन एक्स प्लस एम वाई और बाई वाई, और इक्वल टू इधर कितना बच गया यहाँ पे देखिए एन एक्स प्लस एम वाई और बाई एक्स, ध्यान दीजिए एन एक्स प्लस एम वाई, एन एक्स प्लस एम वाई ये इसे कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई वाई इक्वल टू वन बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाई उधर चल जाएगा तो वाई बाई एक्स, इस प्रकार से इसका जो डेरिवेटिव हुआ वो वाई बाई एक्स हुआ। सबसे पहले काम क्या किया गया कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिलेशन का यूज किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिलेशन का यूज किया गया, कैंसल हो गया डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक साथ और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला एक साथ, उसके बाद आपका यहाँ पे कैंसल आउट होते चला जाएगा, लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स बचेगा। क्वेश्चन नंबर फोर में जितना भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन का आंसर वाई बाई एक्स ही देखिएगा, जो भी पावर ऐड कीजिएगा तो टोटल पावर यहाँ पे आ जाएगा, ऐड करने के बाद एम और एन है तो यहाँ एम एन एम प्लस एन रहे, यहाँ दो और तीन तो यहाँ पे पांच रहेगा, तो इसलिए सबका आंसर आपका वाई बाई एक्स ही आएगा क्वेश्चन नंबर फोर का। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर का फाइव नंबर सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस, वहां पे आपका एम था या एन था, एम के स्थान पे थ्री एन के स्थान पे फोर, देखिए एम प्लस एन सेवन है, इसका भी आंसर वाई बाई एक्स ही होगा। ध्यान दीजिए प्रोडक्ट रूल, पहला को छोड़ के दूसरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दूसरे को छोड़ के पहले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स लगा दिया गया, पावर को बाहर के उसके पावर में एक कम किए, फोर था फोर माइनस वन एक कम, फिर पावर को बाहर किए
फिर वाई का यहाँ डीवाई डीएक्स हो गया, पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम, पावर को बाहर किया उसके पावर में एक कम। अब देखिए x ये 4x³ y के पावर 4 और माइनस वन है तो नीचे लाए तो प्लस वन हो गया, यहाँ पे माइनस वन था नीचे लाए प्लस वन हो गया, यहाँ पे भी माइनस वन था नीचे लाए प्लस वन हो गया। अब x प्लस वाई के पावर 7, x प्लस वाई के पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, x³ y पावर 4, तो इसके स्थान पे लिख दिया गया x³ y के पावर 4 और इधर x³ y के पावर 4 कॉमन कॉमन ले लीजिएगा तो 4 बाई वाई डी बाई डीएक्स, ये वाला कॉमन आ जाएगा तो 3 बाई एक्स, ये टर्म से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 4 बाई वाई डी बाई डीएक्स 3 बाई एक्स, ये 7 बाई एक्स प्लस वाई है, गुना कीजिए 7 बाई एक्स प्लस वाई और फिर इसके साथ गुना होगा 7 बाई एक्स प्लस वाई डी बाई डीएक्स। अब डी बाई डीएक्स वाले को एक तरफ इधर ले आइए, प्लस का इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और डी बाई डीएक्स कॉमन ले लीजिए माइनस, और ये प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। फिर एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4x 4y और ये हो जाएगा माइनस 7y, इसके साथ गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 7x माइनस में 3x माइनस 3y, इस प्रकार से क्या होगा dy by dx 4x और यहाँ 4y माइनस 7y माइनस 3y और 7x में 3x गया 4x माइनस 3y, ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 बाई वाई और यहाँ 1 बाई एक्स, इसको इधर ले जाएगा तो y बाई एक्स, इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। एकदम सेम रूल है, सबसे पहले दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, फिर ये रिलेशन यूज कीजिए, कैंसल आउट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सेम प्रॉब्लम एग्जाम्पल में मिलेगा, यहाँ कॉस दिख रहा है कॉस के जगह वहां साइन दिखेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई दिया हुआ, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना होगा, वहां कॉस के जगह साइन हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम रूल हर एक स्टेप सेम होगा। तो देखिये इसको प्रूव करने के लिए आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रूव नहीं होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक स्टेप बताते हैं, अगर फर्स्ट स्टेप आप सीख गए तो प्रूव करना बहुत इजी रहेगा। देखिए सबसे पहले इसको लिखिए कॉस वाई और ये इंटू में था, इधर डिवाइड में रही कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, यही फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप डिवाइडिंग रूल लगाइए, अब डिवाइडिंग रूल लगाइए, यहाँ के बाद आप डिवाइडिंग रूल लगा दीजिए तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस वाई और बाई कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिवाइडिंग रूल अप्लाई कीजिएगा, क्या होता है डिवाइडिंग रूल, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, डिवाइडिंग रूल बताया जा चुका, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए कॉस ए प्लस वाई, नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखा गया, नीचे वाले को ऊपर ले गया, अब ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉस वाई माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए डी बाई डी एक्स कॉस ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए और उधर बच गया एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है वन, क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई और यहाँ पे कॉस है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन वाई और फिर बच गया वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स और माइनस कॉस वाई और यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन ए प्लस वाई और फिर अगर आप ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो जीरो लिखे या ना लिखे और प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बाई आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया वन। अब ध्यान दीजिए दोनों में डी वाई बाई डी एक्स ऊपर में देखिए डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको अरेंज करके लिखिए
कितना होगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस इन प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, कॉस ए प्लस वाई साइन वाई। और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। स्टेप को समझिए, क्या है ए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, सबसे पहले दोनों में डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया गया, ए माइनस और माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, और यहां प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया वो उधर चला गया। अब देखिए अगर कुछ पल के लिए इसको ए मानिए, इसको कुछ पल के लिए बी मानिए, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन ए, ए के स्थान पे कितना ए प्लस वाई, और बी का स्थान पे कितना वाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इतना हो गया। अब देखिए ये वाई से वाई कैंसल हो गया, क्या बच गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू आपका साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये इंटू में तो उधर डिवाइड में चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और बाई साइन ए। इस प्रकार से आपका डेरिवेटिव प्रूव हो गया। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या किया गया कि इसको इधर लाया गया और डिवाइडिंग रूल लगा के साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया गया, तो जो प्रूफ करना था वो एग्जैक्ट प्रूफ आपका हो चुका है।